हाय एवरीवन, इस चैनल पर दोबारा आपका स्वागत है। आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्पेशल बताने वाला हूँ जिससे आपको बहुत हेल्प होगा। अगर आप अभी से सोच रहे हो कि 2019 में कहाँ घूमने जाए तो इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक। आपकी कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन इस वीडियो में है और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो देखते हैं इस वीडियो में कौन कौन सी जगह है जहाँ आप 2019 में जा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 इंडिया के और 5 वर्ल्ड के बारे में बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं इंडिया से। पहले नंबर पर है रण ऑफ कच्छ। जी हाँ, रण ऑफ कच्छ गुजरात में है जो अपने वाइट डेजर्ट के लिए फेमस है। ये पूरे दुनिया में सब में से एक सबसे बड़ा सॉल्ट डेजर्ट भी है। यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से हर साल नवंबर से लेकर फरवरी तक रण उत्सव ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें फुल मून पार्टी से लेकर बहुत सारे खाने पीने और एडवेंचर एक्टिविटीज़ होते हैं। तो 2019 में रण ऑफ कच्छ जाना मत भूलिएगा। दूसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है केरला। फ्लड्स आने के बाद केरला बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, लेकिन अब केरला सेफ है। केरला अपनी कंट्री में एक बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशन है जहाँ घूमने के लिए बैकवाटर्स, मुना, एलपी वाटरफॉल जैसे बहुत सारी खूबसूरत जगह है यहाँ पर। तो 2019 में इस जगह को मत भूलिएगा। तीसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है जीरो वैली। जीरो वैली जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। जीरो वैली शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि ये एक ऑफबीट डेस्टिनेशन है। यहाँ हर साल जीरो वैली फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है जिसमें 40 से भी ज़्यादा आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं। जीरो वैली अपनी ग्रीनरी, आसपास के खूबसूरती, सुकून, शांति के लिए बहुत पॉपुलर है। तो 2019 में यहाँ जाइएगा और सुकून का मज़ा लीजिएगा। चौथे नंबर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है राजस्थान। हम सब जानते हैं कि राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है और यहाँ का वेदर सितंबर से लेकर मार्च तक ही अच्छा रहता है। राजस्थान में जैसे उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, अजमेर, पुष्कर जैसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ आप सितंबर से लेकर मार्च तक के महीने में जा सकते हैं और यहाँ मज़ा कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, राजस्थान अपनी कंट्री में सबसे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट अट्रैक्ट करता है। तो आप इंडियन टूरिस्ट बने और एक बार अपनी इस राजस्थान को घूम के जरूर आइए। फिफ्थ नंबर पर है सिक्किम। पिछले कुछ सालों में सिक्किम बहुत आगे बढ़ा है टूरिज्म में और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं सिक्किम घूमने। सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक। बहुत ही खूबसूरत वादी है जहाँ की कल्चर बहुत ही अद्भुत है। यहाँ गुरु डोंगमार लेक, युमथुंग वैली ऑफ फ्लावर्स, कंचनजंगा नेशनल पार्क, मोनेस्ट्रीज और भी बहुत कुछ है। यहाँ पर खाने पीना के लोग बहुत शौकीन हैं। मोमोज, थुक्पा, गुंदरुक जैसे बहुत सारी फेमस क्यूजिन्स हैं यहाँ की। तो 2019 में यहाँ ज़रूर आइएगा। अब चलते हैं वर्ल्ड की तरफ। तो इसमें पहले नंबर पर है श्रीलंका। जी हाँ, श्रीलंका को अभी हाल में ही लोनली प्लैनेट की तरफ से बेस्ट कंट्री बताया गया है 2019 में घूमने के लिए। श्रीलंका में रेल नेटवर्क बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ के लोग, ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। श्रीलंका अपने बहुत सारे सी बीचेस के लिए भी फेमस है। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया से श्रीलंका जाना बेहद आसान है। आप ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ले सकते हैं और श्रीलंका ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अभी फ़िलहाल इंडिया गवर्नमेंट और श्रीलंका गवर्नमेंट मिलके वीजा अराइवल ऑर्गेनाइज कर रही है, लेकिन देखते हैं कब तक ये समय लगता है। लेकिन तब तक आप श्रीलंका घूम के जरूर आइएगा। बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर जो है जर्मनी। जी हाँ, जर्मनी को लोनली प्लैनेट की तरफ से सेकेंड बेस्ट डेस्टिनेशन बताया गया है। जर्मनी एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है जिसने दुनिया को अल्बर्ट आइंस्टाइन, कार्ल मार्क्स जैसे लोग दिए। ऑडी, फॉक्सवैगन, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज जैसी गाड़ियाँ जर्मनी की ही है। जर्मनी अपने कासल्स, बियर, ब्रेड्स, म्यूजिक के लिए भी बहुत फेमस है। इंडिया से जर्मनी की वीज़ा इजीली मिल जाती है। तो 2019 में इस खूबसूरत कंट्री को घूमना मत भूलिएगा और जरूर जाइएगा। थर्ड नंबर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है जिम्बाब्वे। जी हाँ, जिम्बाब्वे जाना बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये अभी खूबसूरत डेस्टिनेशन है। विक्टोरिया फॉल्स, करीबा, हुआंगे नेशनल पार्क, हरारे, चिनहोई केव्स जैसे बहुत सारे खूबसूरत जगह है यहाँ घूमने के लिए। इसको लोनली प्लैनेट की तरफ से थर्ड बेस्ट डेस्टिनेशन भी बताया गया है। तो एक बार ज़रूर यहाँ जिम्बाब्वे जाइएगा। चौथे नंबर पर है पेरिस, द सिटी ऑफ एफिल टावर। हर साल इंडिया से बहुत लोग पेरिस घूमने जाते हैं और 2019 की शुरुआत पेरिस से करना बहुत ही खूबसूरत हो सकता है क्योंकि यहाँ न्यू ईयर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है। न्यू ईयर, क्रिसमस, फ्रेंच कल्चर, लैंग्वेज, खाना पीना पूरे वर्ल्ड में बहुत ही फेमस है। पेरिस में 6000 से भी ज़्यादा गलियाँ हैं। पेरिस में वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लाइब्रेरीज भी है। तो 2019 में इस खूबसूरत शहर को घूमना मत भूलिएगा और यहाँ जाइएगा ज़रूर। फिफ्थ और लास्ट नंबर पर है न्यूयॉर्क।
एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल न्यूयॉर्क के पास सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आए थे एंड न्यूयॉर्क ने टूरिज़म में इस साल सबसे ज़्यादा पैसे भी कमाए हैं। न्यूयॉर्क में घूमने की जगह की कमी नहीं है, बहुत बड़ा है न्यूयॉर्क। ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग से लेकर खूबसूरत पार्क, ट्रेन, कल्चर बहुत ही खूबसूरत है। न्यूयॉर्क में करीब 800 लैंग्वेज बोले जाते हैं, 800 लैंग्वेज। तो आने वाले साल में इस बेहतरीन जगह को घूमना मत भूलिएगा। और जाते जाते अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करते करते जाइएगा ताकि मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो से दोबारा यहाँ ले आ सकूँ। थैंक यू।